हेलो दोस्तों, रफ़िकुल डिजाइंस एंड टेक में आप लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को iOS 15.6 के रिव्यू देने वाला हूँ। मतलब कैसा है, 5-6 दिन तक यूज़ करने के बाद उसका रिव्यू कैसा होगा, मतलब क्या कुछ चेंज हुआ है, कुछ बग्स है या नहीं है, या फिर बैटरी रिलेटेड कुछ इशू वगैरह है कि नहीं, बैटरी हीटिंग, बैटरी हेल्थ ड्रॉप वगैरह, तो उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। और आखिर में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों को ये वाला अपडेट करना चाहिए कि नहीं। तो वैसे तो सभी अपडेट करना ज़रूरी है iOS अपडेट, क्योंकि हर अपडेट में सिक्योरिटी अपडेट होता है और सिक्योरिटी अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सभी आईफोन्स के लिए। आपके ऊपर है आप अपडेट करते हैं कि नहीं, लेकिन मैं तो अपडेट करना ही रिकमेंड करूँगा। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आखिर में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो फिर चलिए बिना कोई देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा iOS 15.6 अपडेट का जो पहले वाला वीडियो है, अगर वो वाला वीडियो आप लोगों ने देखा तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि मेरा करीब 9 महीना हो गया है iPhone 12 और उसका बैटरी हेल्थ अभी भी 100% है अपडेट करने के बाद ही। तो बैटरी हेल्थ के रिलेटेड कोई इशू आप लोगों को नहीं आएगा, और किसी भी अपडेट पे बैटरी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, मतलब बैटरी हेल्थ ड्रॉप वगैरह नहीं होता है। अगर बैटरी रिकैलिब्रेट होता है तो तभी बैटरी हेल्थ ड्रॉप होता है, और अपडेट करने के बाद ज़्यादातर बैटरी रिकैलिब्रेट होता है, और इस बार भी मेरा बैटरी रिकैलिब्रेट नहीं हुआ है। शायद बैटरी रिकैलिब्रेशन स्टक हो गया है, तो आप लोगों का भी हो सकता है और किसी किसी लोगों का नहीं होता। तो मुझे लगता है जिस बार बैटरी मेरा ड्रॉप होगा तो बहुत ज़्यादा ड्रॉप होगा, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो अगर अपडेट के बाद आप लोगों का बैटरी हेल्थ ड्रॉप होता है तो आप लोगों को ज़्यादा डरने की बात नहीं है, क्योंकि बैटरी रिकैलिब्रेट होता है और बैटरी हेल्थ ड्रॉप होता है। अगर होना होता है तभी होता है, अगर बैटरी ड्रॉप होना नहीं होता है बैटरी हेल्थ तो अपडेट करने के बाद भी नहीं होगा, तो उससे कोई डरने वाली बात नहीं है। और बैटरी हीटिंग, तो मेरे iPhone 12 में तो कोई हीटिंग का प्रॉब्लम नहीं है, पहले भी ज़्यादा नहीं था, मतलब गर्मी के वजह से तो हीटिंग होता ही है, ये तो नॉर्मल सी बात है, सभी फ़ोन हीट होता है, चाहे आप iPhone बोलिए या फिर Android बोलिए, कुछ थोड़ा सा कम हीट होता है, कुछ थोड़ा ज़्यादा हीट होता है। तो आप घर पे पंखा चला के फ़ोन को यूज़ कीजिए, अगर घर पे फ़ोन यूज़ करते हैं तो पंखा वगैरह चला के यूज़ कीजिए, पंखे के सामने यूज़ कीजिए, कोई भी हीटिंग वगैरह नहीं होता। मैं तो आजकल देर 2 घंटे तक BGMI खेल रहा हूँ अपडेट करने के बाद, तो मुझे कोई एक्सेस हीटिंग का इशू नहीं हुआ। अगर गेमिंग करते हैं तो थोड़ा बहुत तो हीटिंग होगा ही, तो मैं पंखा चला के पंखे के सामने गेमिंग करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बाकी कुछ दिनों से मेरा बैटरी थोड़ा ज़्यादा ड्रॉप हो रहा था, थोड़ा जल्दी ड्रॉप हो रहा था, बैटरी ड्रॉप बहुत तेज हो गया था, तो iOS 15.6 अपडेट करने के बाद वो भी कम हो गया है। तो ये अपडेट बैटरी के लिए बहुत अच्छा अपडेट है मेरे हिसाब से, दूसरों का मैं नहीं बता सकता कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। मेरे iPhone 12 में तो कुछ इशू नहीं हुआ, और जितना भी नया मॉडल्स का फ़ोन है उसमें शायद मेरे हिसाब से कोई इशू नहीं होगा। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स तो 11 और 10R वाले को ही आ रहा है, क्योंकि मेरा एक दो दोस्त के पास 11 और 10R है, तो उन लोगों को कभी कभी थोड़ा छोटे मोटे बग्स दिख रहे हैं, लेकिन बैटरी से रिलेटेड उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ अभी तक इस 4-5 दिनों में। तो उनको कभी कभी एक दो ऐप क्रैशिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, तो शायद उन लोगों का अपडेट वगैरह नहीं आया है ऐप का, इसीलिए ऐप क्रैशिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप लोग भी अपडेट करने के बाद तुरंत ही आप लोग ऐप स्टोर में जाके चेक कीजिएगा कि आप लोगों का ऐप अपडेटेड है कि नहीं, अगर अपडेटेड नहीं है तो सभी ऐप्स तुरंत आप लोग अपडेट कर लीजिए। और किसी किसी ऐप्स का डेवलपर ने अगर अपडेट नहीं भेजा है तो उन ऐप्स का क्रैशिंग होना नॉर्मल है, मतलब ऐप क्रैश होगा ही, क्योंकि वो iOS 15.6 के साथ अच्छे से काम नहीं करेगा, तो उसी वजह से ऐप क्रैशिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। और छोटे मोटे बग सभी iOS अपडेट में होता है, कोई भी iOS अपडेट एकदम परफेक्ट नहीं होता, तो छोटे मोटे बग तो होगा ही, लेकिन अभी तक मुझे कोई बग नहीं दिखा। हाँ, और एक प्रॉब्लम मुझे आया है, मुझे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आया है, तो मेरा जो नेटवर्क बार होता है, तो मेरा ये जियो सिम है, ई सिम में यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा नेटवर्क बार कभी कभी अपडाउन होता है, 1-2 बार अपडाउन हो रहा है अभी अपडेट करने के बाद से, लेकिन कोई कॉलिंग या फिर दूसरा कोई इशू नहीं आ रहा है। हाँ, सिर्फ नेटवर्क बार में अपडाउन है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं मिल रहा है, कॉलिंग वगैरह में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेटवर्क का भी कोई ज़्यादा इशू नहीं हो रहा है मुझे। तो इस अपडेट को बहुत अच्छा अपडेट आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा, लेकिन पुराने फ़ोन्स में 1-2 प्रॉब्लम आ भी सकता है, बैटरी रिलेटेड इशू आ सकता है। और अगर आप लोगों का बैटरी ड्रॉप होता है तो उससे टेंशन मत लीजिए, अच्छे से यूज़ कीजिए। तो दोस्तों, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि यह अपडेट आप लोगों को करना चाहिए कि नहीं। तो आप लोगों को 100% यह वाला अपडेट करना चाहिए, अगर छोटे मोटे बग्स रहेंगे फिर भी आप लोगों को अपडेट कर लेना चाहिए,
क्योंकि शायद ये iOS 15 का आखिरी अपडेट है, मेरे हिसाब से तो आखिरी अपडेट है, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट सितंबर में लॉन्च होगा iOS 16, तो उसके बाद iOS 16 सभी फ़ोन्स में आ जाएंगे। तो एक अपडेट और आ भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये एक लास्ट अपडेट है मेरे हिसाब से iOS 15 का, तो आप लोगों को ज़रूर कर लेना चाहिए। और बहुत हद तक इसको एक परफेक्ट अपडेट बोल सकते हैं आप लोग, क्योंकि बहुत कम बग्स है इसमें, मुझे तो कुछ भी नहीं दिखे, तो इसीलिए यह अपडेट आप लोगों को कर लेना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी अपडेट है। और मैं तो वीडियो के पहले से ही बोल रहा हूँ आप लोगों को ये वाला अपडेट कर लेना चाहिए। तो अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम था पहले से, नेटवर्क रिलेटेड इशू था या फिर कोई और दूसरा बग्स था, तो आप लोगों को ज़रूर अपडेट कर लेना चाहिए। तो 4-5 दिन यूज़ करने के बाद मैं आप लोगों को ये रिव्यू दे रहा हूँ, और इन 4-5 दिनों में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। जो प्रॉब्लम आया मैंने आप लोगों को बता दिया, सिर्फ नेटवर्क पर एक दो अप डाउन हो रहा है, बाकी दूसरा कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखा, ना फ़ोन हीट हो रहा है, और स्क्रीन ऑन टाइम भी मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है। मतलब कुछ दिन पहले तो स्क्रीन ऑन टाइम बहुत कम हो गया था, लेकिन पता नहीं किस लिए, शायद हीटिंग की वजह से या फिर कुछ और वजह से, जो भी हो iOS 15.6 में अपडेट करने के बाद मेरा वो बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो आप लोग भी तुरंत ही अपडेट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि iOS 15.6 आप लोगों को अपडेट कर लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस आगे भी देख पाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।